नमस्कार दोस्तों, रेवास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दही की भिंडी बताने वाली हूँ, या आप इसे कह लीजिए फ्राई भिंडी इन दही ग्रेवी। दोनों ही बात एक है। इसके लिए जो हमने सामान लिया है वो ये है। नमक स्वाद अनुसार लेंगे, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर जो हमारे बेसिक मसाले हैं। इसके अलावा मैंने 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच कसूरी मेथी और 1/4 चम्मच से भी कम गरम मसाला लिया है। साथ ही हम हींग का प्रयोग करेंगे। ये मैंने 1 कप प्याज का पेस्ट लिया है। आप इसमें 1.5 प्याज डालें। अगर प्याज बड़ा हो तो आप 1 ही यूज़ कर सकते हैं, और 1 हरी मिर्च इसमें यूज़ करिए। और इसका बारीक पेस्ट बना लिया है। तो सबसे पहले हम इस पेस्ट के अंदर मसाले डाल देते हैं, तकरीबन 1.5 चम्मच, और हरी मिर्च हम बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे, 1/2 चम्मच। तो लाल मिर्च कम ली है, और रंगत के लिए आप 3/4 चम्मच आपको हल्दी पाउडर लेना पड़ेगा, और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। साथ ही हमने 200 ग्राम भिंडी ली है, इसकी कटिंग करेंगे अभी, और 3 हरी मिर्च ली है मैंने। आपने स्पाइस के अनुसार ले सकते हैं, आप कितना स्पाइसी खाना खाते हैं। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही कुकिंग ऑयल लिया है हमने। तो सबसे पहले इसकी कटिंग जो हमें करनी है, उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि इसका ये टॉप हटा देना है। कुछ लोग इसकी गोल कटिंग भी करते हैं, और कुछ इस तरह से इसके 2 पार्ट करके इसे ऐसे, ताकि ये खाने में कन्वीनियंट रहे। 1 बाइट फॉर 1 स्लाइस रहे ये। इस तरह से अगर ज़्यादा बड़ी हो तो आप इसके 3 हिस्से कर सकते हैं। तो चलिए पहले भिंडी को धो के अच्छे से सुखाने के बाद में आप ये कटिंग करें। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं हम। भिंडी कट करने के बाद में हमें इसे गोल कट करना है, इस तरह से, इस साइज़ का और गोल, ताकि भिंडी और हरी मिर्च अलग अलग रहें। चलिए शुरू करते हैं। बड़े फ्राइंग पैन के अंदर 1 से 1.5 चम्मच ऑयल आप लीजिए, और एक दूसरे बाउल के अंदर 1 से 1.5 चम्मच ऑयल की ले दीजिए। दोनों को गरम करते हैं। जैसे ही ये गरम होंगे, हमें इसके अंदर, बड़े पैन के अंदर हम इसको फ्राई करेंगे अच्छे से, और छोटे पैन के अंदर ड्राई मसाले डालते हुए हम इस पेस्ट को फ्राई करेंगे। आँच कम कर दीजिए और इसे फ्राई होने दीजिए। बीच बीच में से इस तरह से टॉस करते रहिए। भिंडी पूरी तरीके से जब तक नहीं पक जाती, हम ये मसाला इसमें नहीं डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, हो जाएगी अभी। तकरीबन इसे 5 से 7 मिनट लगेंगे, इतने में हमारा मसाला भी फ्राई हो जाएगा। ये बहुत अच्छे से कुक करना है हमें। नॉनस्टिक की जो खासियत है वो यही है कि कम तेल के अंदर हम हमारा अच्छा काम कर सकते हैं। दही भिंडी, या आप फ्राई भिंडी जो हम दही के साथ बना रहे हैं, इसके अंदर आपको कभी भी टमाटो और आप नींबू का यूज़ ना करें, क्योंकि हम इसमें बिल्कुल खट्टा दही ले रहे हैं। दही 1 कप है, और ये 2 दिन पुराना दही है। बहुत अच्छा खट्टा टेस्ट देगा ये, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये बेसिक चीज़ है हमारे लिए। तो इसे 5 मिनट तक अब हम कुक करते हैं, और हमें भिंडी ढकनी नहीं है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। 5 मिनट तक कुक होने के बाद में इसके अंदर आपको ये पूरा दही डाल देना, और इसी के अंदर इसे कुक होने देना है। इसी में आप स्वाद अनुसार नमक डाल देते। मैं इसमें 1/2 चम्मच डाल रही हूँ, बाकी कम रहेगा तो इसमें और ऊपर से डाल देंगे। अब ये जो दही है बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर पक जाएगा, तो वेट करते हैं इसके कुक होने का। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये भिंडी हमारी कुक होने लगी है। अभी भी इसमें थोड़ा समय बाकी है। इसमें हम 1/3 से 1/2 कप पानी डाल के बॉईल करेंगे। पानी जब डाला है, जब इसमें दही में
बिल्कुल कुकिंग पूरी हो गई थी और ऑयल ऊपर आ गया था, और इस तरह से इसमें एक अच्छी उबाली लेंगे और 5 मिनट तक इसे बॉईल करने के बाद में मसाला इधर ट्रांसफ़र करेंगे। आप देख सकते हैं भिंडी इस वक्त थोड़ी थोड़ी हमारी कुक होने लगी है। हमें इसे बिल्कुल अच्छे से कुक करना है कि जब ये मुंह में आए तो इसमें ज़रा भी कड़ापन ना आए। अभी भी थोड़ी ये बाकी है, तो चलिए इसे आधा मिनट और हम इसे कुक कर लेते हैं। इधर हमारी उकाली आ गई है, थोड़ी देर में हम ये मसाला बंद कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये अब ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है। बाकी हम जब ये ग्रेवी इधर डालेंगे तो हमें इसे 1 मिनट तक और कुक करना रहेगा। तो चलिए ये ग्रेवी इसमें इस तरह से डाल दीजिए। ग्रेवी इधर ट्रांसफ़र करने के बाद में अब ये हमारी भिंडियाँ तैयार हो जाएंगी खाने के लिए। थोड़ी देर ही कुक करना है हमें इसे। ग्रेवी को इसमें डालने के बाद में इसमें पानी ना डालें। हम सभी जानते हैं कि भिंडी और पानी की दुश्मनी होती है, तो आप इसमें पानी भूल के भी ना डालें। पहले ग्रेवी पूरी तैयार होने के बाद में ही हम इसमें ग्रेवी डालेंगे। अब इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम कुक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी दही मसाला भिंडी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। ऑयल बबल्स ऊपर आ गए हैं और इसमें परफेक्ट चाली बन गई है। अब मैं इसे बंद कर देती हूँ और इसे सर्विंग बाउल में सर्व करती हूँ। आप अपने अनुभव मुझे ज़रूर बताइएगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, नमक मैंने कम यूज़ किया है, अमचूर टमाटर नींबू नहीं यूज़ करे हैं, एकदम खट्टा दही लिया है। दही पूरा 1 कप था और 2 दिन पुराना था। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में, एक नए अंदाज के साथ में। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी रेसिपी ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।